गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सकाल गुरुत्वपूर्ण खबर में पुणि थे आपण को स्वागत करछि मोजिता। फ्रेंड्स, प्रत्येक दिन भली बहुत गुडिये बचा बचा खबर सहित जहाँकि योजना निजुक्ति नुआ नुआ बड़ बड़ घोषणा सहित राजनीति भली गुरुत्वपूर्ण एक खबर भिटरे रही। महामारी के केते आक्रांत केउ जिल्लारु केते सुस्थ होइछन्ति संपूर्ण खबर आम एही भिडियो माध्यम रही। तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे एही भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आज दिन खबर जानिबा पई आपण को कौनसी भिडियो किंबा न्यूज पेपर देखा पड़ेनि, से चलतु डेरी नक भिडियो नजर पकाइबा। नजर पकेबा पूर्वर जदि आम चैनल नुआ हो भिडियो देखुचार तो तले दिखाई नाली रंगर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर पाखे घंटी चिन्ह को देवे अल् नोटिफिकेसन को दबाई दिंतु, कारण प्रतिदिन एमती लाटेस्ट अपडेट हेल्पफुल भिडियो सर्वप्रथम पाइबापी आम सह जोड़ रही था, जहाद्वारा आम जब नुआ भिडियो आणव आपण पहुँच सर्वप्रथमे। नंबर एक, जे ईमेन ओ एनईटी परीक्षा 2020 घुंचबनी 6 राज्यर आवेदन खारज कले सुप्रीमकोर्ट। 6टी अण बीजेपी राज्यर रिव्यू पिटिशन को खारज करिसन सुप्रीमकोर्ट। ए पिटिशन रे जे ईमेन ओ एनईटी परीक्षा घुंचबा को आवेदन होइतिला। तेबे गत अगस्त 17 तारिख एही परीक्षा सपक्षे सुप्रीमकोर्ट को राय रिव्यू पई 17 आवेदन करा जायतिला। तेबे पश्चिमबंग, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब एवं महाराष्ट्र आदि राज्यर मंत्री माने सुप्रीमकोर्ट आवेदन करिथिले। तेबे सूचना योग्य जे 2 थर घुंचिबा पर गत सेप्टेम्बर 1 तारिख रो जेई मेन परीक्षा आरंभ होइतिरा। या पूर्व 11 जन छात्र छात्री जेई मेन ओ एनईटी परीक्षा घुंचिबा को सुप्रीमकोर्ट जाइथिले एवं सुप्रीमकोर्ट एहाको खारज करिबा स परीक्षा करायबा पई केन्द्र को अनुमति देथिले। नंबर 2, आसिला खुशी खबर, भारत को पुणी फेरी पारे टिकटक। भारत में टिकटक पुणी फेरिबार संभावना सृष्टि करिछि। तेबे टिकटक रो भारतीय आसेस को जापान कंपनी सॉफ्टबैंक किणवा को प्रस्तुत होउछि। तेबे सूचना अनुसार सॉफ्टबैंक एथिपई भारतीय अंशीदार को खोजुछि। तेबे गत मासे मध्ये सॉफ्टबैंक रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड और भारतीय एयरटेल लिमिटेड मुख्यक सह कथा होइछि एवं सूचना छि कि जुलाई जातीय सुरक्षा जोगो भारत समेत अनेक देश टिकटक उपर प्रतिबंधक लगाइछन्ते। नंबर 3, आसला गैस को नहीं बहुत बड़ खबर। आपण केन्द्र सरकार मागणा सिलिंडर आपण पाउछन्ते कि जदि ना तेबे चिंता करिवार कोनोसी कारण नाही, कारण मागणा सिलिंडर देवाकु केन्द्र सरकार लोकंकु शेष सुजोग देइछन्ते। तेबे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अधीन रे एणिकि आपण माने पाई पारिबे गैस। तेबे जमा भी डेरी नकरि केमिति एहि योजना लाभ पाइबे से नै तुरंत जोगाजोग करन्तु निकटस्थ एलपीजी केन्द्र, कारण हातरे किछि कम समय रहिछि आपणकर। तेबे मागणा गैस पाइबारे शेष सुजोग आसी जाइछि जहाँकि सेप्टेम्बर मासरे आपणकु मागणा गैस मिलिबो। तेणुकर बीपीएल कार्ड थिले मागणा गैस आपणकु मिलिपारिबो, सेतिबे आपण माने डेरी नकरि एहि एलपीजी केन्द्र को जाइ आपण शीघ्र अप्लाई करन्तु। नंबर 4, अक्षय कुमार कले बड़ घोषणा, पबजी बदलि आसिबो फौजी गेम। एबे पबजी रो जुग शेष हो जाइछि। तेबे भारत ज्ञान कौशल सह आसिबो फौजी गेम। तेबे पबजी को ब्यान करिवार गोटे सप्ताह पूर्वा आगरु एबलि बड़ खबर आसिछि। तेबे अभिनेता अक्षय कुमार निज सोशल मीडिया रे घोषणा करिछन्ति एहि गेम रा नाम फौजी रखाजिबो। एने से यार एक पोस्टर मध्ये अपलोड करिछन्ति। तेबे से ट्वीट जोके सूचना दे कहिछन्ति जे प्रधानमंत्री को आत्मनिर्भर अभियान को समर्थन करि गर्वर सह एक एक्शन गेम फौजी बाबदरे घोषणा करिछन्ति। नंबर 5, आसिला एलआईसी को ने बहुत बड़ा खुशी खबर। लाइफ इन्स्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी देशर सबुठारु भरणाजोग्य बीमा कंपनी। तेबे एही कंपनी रे अलग अलग पॉलिसी रे लोकल कोटी कोटी टंका निवेश करिछन्ति। तेबे एलआईसी टर्म पॉलिसी, लाइफ इन्स्योरेंस, पेंशन, एंडोरमेंट आदि प्लान सेल करिथाय एही कंपनी। तेबे ग्राहक एलआईसी रे किछि प्लान को ऑनलाइन नै पारिबे तो आउ किछि प्लान रे ऑफलाइन नै पारिबे। तेबे एलआईसी सरकार को द्वारा संचालित कंपनी ओटे एवं एथिरे निवेश करिवारे आपन टंका सुरक्षित रहिथाय। तेबे एलआईसी रे तो एमिति अनेक पॉलिसी रहिछि, किंतु आज आम आपनकु एक खास पॉलिसी विषय कहिबाकु चाहुछु जार नाम रहिछि जीवन साथी पॉलिसी। एहा एक पेंशन पॉलिसी अटे एवं एथिरे ग्राहकंकु तुरंत पेंशन लाभ मिलिथाय। नंबर 6, अक्टोबर शेष सुद्धा आसीपारे अमेरिकीय महामारी टीका। अक्टोबर शेष सुद्धा अमेरिकावासीकु मिलिपारे महामारी टीका। तेबे राष्ट्रपति निर्वाचन पूर्वरु डोनाल्ड ट्रंप देशवासीकु महामारी टीका उपहार देबाकु घोषणा करिबा परे एने प्रस्तुति जोरदार आरंभ होइछि। तेबे नवंबर 3 तारिख आमेरिकार राष्ट्रपति निर्वाचन होबाकु अछि। या पूर्व देशवासी पाखे महामारी टीका पहुँचाई निर्वाचन जितना लक्ष्य रखिंट डोनाल्ड ट्रंप। एथिपे से देशर रोग नियंत्रक और निवारण केन्द्र CDC को मध्य निर्देश देता जमापड़ी एवं राष्ट्रपति पाखे एभली निर्देशनामा मिलवा पर CDC जोरसोर निजर परीक्षा जारी रखा सूचना देती। नंबर 7, राज्यर किछि किछि स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षार संभावना। राज्य में एवं मौसम दुर्बल स्थिति लागि रहिछि एवं
मौसुमी टॉप लाइन जयपुर शिवपुरी सीधी दे दक्षिण आसाम को गति करुचे तेबे याकु दृष्टि रखी केन्द्र निर्देशक एचआर विश्वासक कहिबा अनुसार आज दक्षिण आभ्यंतरण जिलार केचि केचि स्थान रे वर्षा हेबो एवं राज्यर बाकी अंचल कामा वर्षा होई पारे बोली से कहिसेंते तेबे 6 तारिख बेलकु राज्यर वर्षार परिमाण वृद्धि पाइबो एवं विशेष करी उपकूल ओ आभ्यंतरण ओडिसार अधिकांश स्थान रे वर्षा हेबार संभावना रहिचि तेबे मालकानगिरी कोरापुट बरगढ़ झारसुगुड़ा केन्दुझर ओ मयूरभंज जिलार गोटे किमा दुटि स्थान रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिचि किंतु राज्यर बाकी स्थान रे बेसी वर्षा संभावना नाही कटक ओ भुवनेश्वर एहि 3 दिन रे पाग आंशिक मेघुआ रहिबो एवं किछि किछि स्थान रे बिजुली गड़गड़ी स वर्षा होइ पारे नंबर 8 6 मास पर डीजल दाम कमिला दीर्घ 6 मास पर डीजल दाम रे सामान्य ह्रास घटिछि तेबे गतकाली नुआदिल्ली रे डीजल रो लीटर पिछा मूल्य 16 पैसा ह्रास पाइ 73 टंका 40 पैसा को खसिछि तेबे पेट्रोल दर रे वृद्धि घटि 82 टंका 8 पैसा रे पहुँचिछि एवं गत मार्च मध्य भाग पर प्रथम थर लागि तेल कंपनी गुडीक डीजल दाम कम करिछन्ति दीर्घ 82 दिन पर तैल दर वृद्धि अटकी रहिथिला गत जून 7 तारीख पर डीजल दाम वृद्धि पाइबा आरंभ होइथिला तेबे इतिमध्ये यहार लीटर पिछा दाम 12 टंका 55 पैसा वृद्धि पाइछि तेबे जून 7 रो जुलाई 29 भीतर पेट्रोल मूल्य रे 9 टंका 17 पैसा रे वृद्धि होइथिला नंबर 9 राज्यपुणी 9 जणक महामारी मृत्यु राज्य पाइ दुख खबर राज्य रे बढी चलछि महामारी मृत्यु संख्या तेबे गत 24 घंटा मध्ये आउ 9 जणक मृत्यु घटिछि तेबे मृतकक भितर गंजाम खोर्धा कटक बलांगीर जिल्लार 2 जण लेखे महामारी मृत्यु घटिथिबार जणा पडिछि एवं रायगडार प्राण हरिथिबा जणे संक्रमित रहिछन्ति तेबे मृतकक भितर 3 जण पुरुष रहिथिबा बले 6 जण महिला अछन्ति एवं राज्यरे मोट मृत्यु संख्या एबे वर्तमान 531 कु वृद्धि पाइछि एने राज्य सूचना ओ लोक संपर्क विभागक रे सूचना प्रदान करा जायछि नंबर 10 आसिला ऋण नैथिबा लोकक पाइ बहुत बड खुशी खबर ऋण नैथिबा लोकक मिलिला बड आश्वस्ति तेबे महामारी संकट ओ लॉकडाउन कारणर देशरे आर्थिक कारबार गुरुतर भाबे विशेष भाबे प्रभावित होइछि तेबे ऋण नैथिबा लोकक मासिकिया किस्ती बा ईएमआई भरिबाको मुश्किल हेउतिला एहि समस्याक दृष्टि रखि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीर लोन मोरेटोरियम मामला सुनानी करि सुप्रीम कोर्ट कहिछन्ति जे आगामी 2 मास पर्यंत ब्याक खाताको एनपीए घोषित करा जाइ पारिबो नाही तेबे 3 जणिया विचारपतिंक खंडपीठ कहिछन्ति जे जो ग्राहकक ब्याक खाता अगस्त 31 सुधा एनपीए होइ नाही सेमानको मामलार समाधान न हेबा जाय सुरक्षा दिया जिवो तेबे विचारपति अशोक भूषण आर सुभाष रेड्डी एवं एमआर साहंक पीठ मामलार परवर्ती सुनानी पई सेप्टेम्बर 10 तारीख धार्य करैछन्ति नंबर 11 योग्य अकाउंट को ऋण मिलिबो पुनर्गठन सुविधा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार ब्याक सीओंक सह आलोचना करैछन्ति तेबे महामारी प्रभावित देशरे अर्थव्यवस्था लागि घोषणा होइतिबा ऋण योजना ओ मोरेटोरियम परवर्ती समय ऋण पुनर्गठन व्यवस्था सम्पर्करे बैठक रे समीक्षा करा जायछि तेबे योग्य विवेचित एकन गुटिक ऋण पुनर्गठन सुविधा देबाको अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार घोषणा कइछन्ति तेबे 15 तारिख सुद्धा योजनार कार्यपन्था ग्रहण करबाको ब्यांक गुटिक निर्देशनामा जारी करा जायछि एवं सरकार घोषणा करथिबा मोरेटोरियम सुविधा अगस्त 31 रे शेष होइछि या परे ऋण किस्तीर लोकंकु सार्वजनिक भाबे मोरेटोरियम मिलिबो नाही अर्थात जो व्यक्ति विशेष एथि लागि योग्य सेही माने हि यार लाभ उठे पारियो बोली सीतारमण कहिछन्ति नंबर 12 रेलवे को ने प्रधानमंत्री का बड़ा निष्पत्ति बदलिबो स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अध्यक्षता रे कैबिनेट बैठक रे रेलवे को ने ऐतिहासिक निष्पत्ति नै छंती तेबे सरकार रेलवे बोर्ड एवं रेलवे रे 8 टी भिन्न भिन्न सेवार पुनर्गठन करिछंती तेबे वर्तमान रेलवे बोर्ड रो चेयरमैन अधिकारी भाबे सीईओ भली काम करिवे एवं रेलवे बोर्ड मेंबर्स रो 3 टी पदवी समाप्त कराइछि एबे बोर्ड चेयरमैन तथा सीईओ सह 4 टी रेलवे बोर्ड मेंबर्स काम करिवे तेबे रेल मंत्री परे सबुठारु बड़ अधिकारी हेले रेलवे बोर्ड चेयरमैन एवं ता सह एबे सुधा 7 बोर्ड मेंबर्स थांति सीआरबी एवं मेंबर्स को मिसे रेलवे बोर्ड गठित होइते एवं रेलवे रे समस्त बड़ बड़ निष्पत्ति रेल मंत्री को उपस्थिति रे रेलवे बोर्ड नै थांति नंबर 13 आसला ब्याक को ने बहुत बड़ खबर देशर बैंकिंग सेक्टर को बेसरकारी करबा पई चेष्टा जारी रखिछन्ति केन्द्र सरकार तेबे एमिति कि नीति आयोग एने ब्लूप्रिंट भी प्रस्तुत करि सारिछि किंतु देशर 4 ब्यांक को सरकारी स्तर में रखा सरकार को परामर्श देखते नीति आयोग यही 4 ब्यांक तालिकार अच्छा भारतीय स्टेट ब्यांक पंजाब नेशनल ब्यांक ब्यांक अफ बड़ौदा और कानाडा ब्यांक तेज यह व्यतीत आयोग 3 छोट सरकारी ब्यांक पंजाब एंड सिंध ब्यांक ब्यांक अफ बड़ौदा और यूको ब्यांक को सरकारी स्तर में ही रखापी परामर्श दे जनाय कि सरकारी ब्यांक गुड़ी को उपरोक्त ब्यांक गुड़िक बिल करदेक अथच रखा स्थिर कर नंबर 14
ନଭେମ୍ବର ଅଣତିରିଶ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହେବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସହ ଦେଶରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବାକି 65 ଆସନ ଉପନିର୍ବାଚନ ଏକ ସମୟରେ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଜି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସ୍ଥିର କରିଛି। ତେବେ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଆସନଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଉପନିର୍ବାଚନ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିସହ ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ କରାଯିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ତିତୋଲ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉପନିର୍ବାଚନ କରାଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ନିକଟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ ମଦନମୋହନ ଦତ୍ତ ଏବଂ ତିତୋଲ ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ପରଲୋକ ହେବା ଫଳରେ ଏହି 2 ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 15 ଆସିଲା ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଅଲରେଡ଼ି ଏବେ ଭାରତରେ 8.5 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ଏହି ଷଷ୍ଠ କିସ୍ତର ଟଙ୍କା ଏବେ ମିଳିସାରିଛି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଥାଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ନ ମିଳିଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭୁଲ ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ କରପ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ତେବେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ସେହି SMS ଆସିନି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ତେବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ CSC ସେଣ୍ଟର୍କୁ ଯାଇ ଆପଣ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 16 ଆସିଲା ବସ୍ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ମହାମାରୀ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ 5 ମାସ ହେଲା ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକଣା ହଟିବା ସହ ପ୍ରଶାସନ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ସବୁ ରୁଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ ରୁଟ୍ରେ ଚାଲୁଛି ସେଠାରେ ଯାତ୍ରୀ ନାହିଁ। ଏ ନେଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଗତ March 20 ଯାତ୍ରୀ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କୋହଳ ହେବା ପରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କଟକଣା କୋହଳ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ଲକ୍ 4 କଟକଣା ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ତେବେ ମାତ୍ର ଯାତ୍ରୀ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ମହାମାରୀ ଭୟ ନ ହଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିବ ବୋଲି ମାଲିକ ସଂଘମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ଆସିଲା କାଲିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା କାଲିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। କାଲିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସରକାର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅନେକ ମିଛ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ 2019 ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରଦିନ କାଲିଆ ଅର୍ଥ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ କାଲିଆ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ତୃତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଥିବାକୁ ସରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଭାଜପା ନେତା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉଭୟ ନେତା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଲିଆ ଯୋଜନାରେ 72 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ତତ୍କାଳୀନ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।